में 21 दिनों का लॉकडाउन लगभग पूरा होने वाला है, लेकिन कोरोना महामारी के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसने हर किसी को चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री ने भी इस महामारी पर काबू पाने के लिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं, जिसका उपाय भी वास्तव में लॉकडाउन ही है और लॉकडाउन का पालन करना और कराना भी बड़ी जिम्मेदारी है, जो रतलाम के कलेक्ट्रेट रुचिका चौहान व SP गौरव तिवारी ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि जैसे ही कोरोना महामारी ने देश में अपने पैर पसारना शुरू कर दिए, तब से ही रतलाम कलेक्ट्रेट रुचिका चौहान और SP गौरव तिवारी ने अपनी सहज बुद्ध से इस महामारी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी थी। और जैसे ही 21 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा हुई थी, तुरंत रतलाम जिले की सीमाएं सील कर दी गई थी। बाहरी व्यक्ति को आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और खुद कलेक्ट्रेट रुचिका चौहान और SP गौरव तिवारी ने हर एक थाने पर जाकर पुलिस को सचेत किया। इतना ही नहीं बल्कि पूरे जिले में रात दिन दौरे कर रहे हैं। रतलाम जिले का पूरा प्रशासनिक अमला, जिसमें स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम कर्मी, पुलिस कर्मी व कलेक्ट्रेट व SP को कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। इसी वजह से आज तक पूरे रतलाम जिला में कोरोना रहित है। रतलाम कलेक्ट्रेट रुचिका चौहान व SP गौरव तिवारी तथा उनकी पूरी टीम को कड़ी मेहनत के लिए समाचार एक्सप्रेस की ओर से बहुत बहुत बधाई। रतलाम से संवाददाता अमर वर्मा की रिपोर्ट। हम लोगों ने आज से एक नई व्यवस्था शुरू करी है, जिसके तहत जो हमारी सब्जी मंडी है, जहाँ पर थोक विक्रेता व्यापारी अपना कार्य करते हैं, उनको अब से रतलाम जिले में सिर्फ सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, इन तीन ही दिनों को हम लोग ऑपरेट करेंगे। इससे हम लोगों को थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग में भी सुविधा होगी और ये बेहतर रहेगा। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हमारे किसान भाई हैं, उन सभी के लिए, उनका चाहे वो हार्वेस्टर हो या उनका थ्रेशर हो या ट्रैक्टर हो, इसको उनको अपने कृषि कार्य के लिए खेतों पर ले जाने के लिए किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए हमने संबंधित अपने सभी पूरे स्टाफ को नीचे स्तर तक निर्देश दिए गए हैं और आपका इस मूवमेंट को, आप अपनी फसल काटने जा सके, इसको हमने फैसिलिटेट किया है। साथ में मैं ये एक और बात आपसे कहना चाहूँगी कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप सभी से आग्रह किया है कि 5 अप्रैल को रात को 9 बजे जो हमें अपने घरों पर दिए या मोमबत्ती इत्यादि जलाना है, घरों की लाइटों को बंद करना है, इसमें आप सभी इस बात का ज़रूर से ध्यान रखें कि ये हम किसी भी प्रकार से लॉकडाउन के वायलेशन में ना करें। यानी कि आप जो ये दिया जलाना और मोमबत्ती जलाना करें, इसको अपने घर की छत पर, अपने खिड़की में, अपने घर की दहरीज पर, वहीं तक सीमित रखें। किसी भी रूप से अपने घर से बाहर ना निकलें, किसी पब्लिक प्लेस पर बाहर आके इसको ना करें। और अगर ऐसा किया जाएगा तो इसमें हमने कार्रवाई भी करने का प्रावधान रखा है और साथ में ही हमारी पुलिस मोबाइल इस पर सतत निगरानी बनाए रखेंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऐसे इंस्टीट्यूशंस जैसे कि हमारे हॉस्पिटल्स इत्यादि, इनकी लाइट्स हम लोग बंद नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट्स वगैरह रहते हैं। स्ट्रीट लाइट्स भी इस केस में जारी जलती हुई रहेंगी, इसके निर्देश भी हमें शासन से प्राप्त हुए हैं। तो इसमें आप सभी लोग सहयोग करें। आप लोग ऑलरेडी बहुत अच्छा डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं। अब हम रेगुलर देखते हैं कि सभी घरों में लोग घरों में ही ज़्यादा रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में नहीं आ रहे हैं। इसी हैबिट को बनाए रखें, कहीं ना कहीं इसी हैबिट की वजह से, आपके इसी डिसिप्लिन की वजह से रतलाम एक अच्छी स्थिति में है, एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पर मेंटेन हुआ है। आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। जो टेलीमेडिसिन के नंबर्स हमने दिए हैं, यदि आपको सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि फील होता है तो आप तत्काल उस पर बात करना सुनिश्चित करें। अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। थैंक यू। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.